शहर के मसरूफ तरीन इलाके एसआरनगर में पेश आई सनसनीखेज वारदात में पसंद की शादी से नाराज लड़की के रिश्तेदारों ने शादीशुदा जोड़े पर बरसरेआम हमला कर दिया था। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और हमला आवर वहां से फरार होने में कामयाब हो गए थे। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी के मतवातिन मोहम्मद इम्तियाज़ की शादी 4 जून को बोराबंडा के साकिन जोहरा फातिमा से हुई थी, लेकिन लड़की के रिश्तेदार बिलखसूस उसके भाई उस शादी से नाराज़ थे। नाराज़गी दूर करने और इस मसले की यकसोई के बहाने जोहरा फातिमा के घर वालों ने उसे बोराबंडा तलब किया था। शादीशुदा जोड़ा कार में वापस लौट रहा था कि लड़की के भाइयों ने अचानक बरसरे आम इम्तियाज़ पर चाकू से हमला कर दिया था। इस वाक़े के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी और राहगीरों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फ़ोन पर क़ैद कर लिया था और अंदरून चंद मिनट इकदाम कत्ल के मनाजर सोशल मीडिया पर आम हो गए थे। एसआरनगर पुलिस ने इस सिलसिले में इकदाम कत्ल का एक मुकदमा दर्ज करते हुए हमला आवरों की तलाश शुरू कर दी थी और आज मुहिमे को हल करते हुए हमला आवरों को गिरफ्तार कर लिया और मजीद तफसीलात भी बताई। 7 तारीख एसआरनगर में जो एफआईआर इशू हुआ 307 के तहत, उसमें जैनब फातिमा और इम्तियाज ये दो लोग शादी करके संगारेड्डी से यहाँ आने के बाद थोड़ा काउंसलिंग, उससे पहले के दिन काउंसलिंग लेके फिर इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया उनको लड़की को। उसके बाद में अगले दिन जो 7 तारीख को इधर 4 बजे लगभग वो लोग पूरे पुलिस स्टेशन आके अपने खुद पूरा केस राजी होके यहाँ से अपने लड़की को फिर संगारेड्डी वो हस्बैंड के इम्तियाज के साथ भिजाने की पूरा बंदोबस्त होने के बाद यहाँ से वो लोग सूमो में निकले। उसके बाद में ये लड़की का जो भाई है, बड़ा भाई फारूक अली, वो और दो लोगों का हायर करके रबानी और दूसरा शकील, ये तीनों लोग ऑटो में आगे से जाके फिर उसको सुमो को रोक के उतर के उसमें से ये इम्तियाज पे हमला करें। उसने एक चाकू, जो आदमी रबानी स्टार्ट किया वो चाकू से, वो चाकू रिकवर करें और उसमें 6 लोग को आज अरेस्ट करें और रबानी और शकील जो 2 अदर अक्यूज हैं उनको और अरेस्ट करना है। आज इन सब लोगों के साथ 6 लोगों का अरेस्ट करके जुडिशल कस्टडी में रिमांड किया। तो उनका मन में था, मतलब वो भाई जो था पुलिस स्टेशन में, यहाँ आने के बाद वो भाई पुलिस स्टेशन नहीं आया, बाकी सब लोग पुलिस स्टेशन आए, भाई अकेला बाहर था और रबानी और 2 लोग। तो इनको मतलब ये जितने भी 6 लोग थे इनको भी मतलब कुछ आइडिया था, लेकिन डायरेक्ट अटैक इसमें कई लोग डायरेक्ट अटैक किया, कई लोग इसमें मतलब सपोर्ट करे इंसिडेंट को, पर लेकिन जो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे वो फारूक अली, रबानी और शकील, ये तीनों लोग करे। ये जितने पीछे गए ये लोग, ये गाड़ी के सुमो के पीछे इसके रिश्तेदार, जो बच्चे के रिश्तेदार हैं वो लोग, जब अटैक हो रहा था ये साथ में थे, तो इसके वजह से ये सब जिम्मेदार है। उसमें 6 लोग और 3 लोग जो भी है उसको सब, 8 लोग है पूरे, ये 8 ऑफेंडर्स को अरेस्ट करेंगे। उसमें 6 लोग आज अरेस्ट हुए। लेडीज़ का क्या रोल है सब है इसमें? लेडीज सपोर्ट करे, जो जब मार रहे तो रोकना था, ये पहले प्लानिंग में इनका हाथ है, फिर बाद में जब अटैक हो रहा था कोई रोके नहीं, अलग अलग तरीके से जितने भी वो बच्चे के रिश्तेदार थे सबको मारने लगे और इसको बचाने के बगैर इसको भी सपोर्ट करे, मारने की धमकी दिया और मारे सब। क्या होना लेडी बच्चे को, लड़के को क्या होना? लेडीज मदर इन लॉ है ना, अभी जब शादी होने के बाद क्या होती है, मदर इन लॉ पहले से रिश्तेदार है, वो बड़ा दामाद जो है ये औरत का, ये जो औरत जो पार्टिसिपेट करी मोहसिन अली और उनके बीवी, उनका बड़ा दामाद जो है उसका रिश्तेदार है ये इम्तियाज। अच्छा अच्छा, ओके।